स्वागत है, मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 3 श्रीनगर के चनापोरा पुलिस पोस्ट पर हुए हमले में शामिल थे। इस हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी तब संभव हुई जब इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास जारी रहे। शिकंजा कसने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। इन तीनों को हमने नॉक्टर्नल रेड्स जो कल रात भर चली हैं, जो बडगाम एरिया है वहाँ से किया है, और इस पूरे ऑपरेशन में हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम और 53 RR ने भी हेल्प किया। क्या इन ये जो इसमें दे आर मोस्टली फ्रॉम वथुरा बडगाम। घाटी में 2 युवा आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं। दोनों के हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल हकीकत का पता लगाने में जुटी हुई है। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र परगरवाल में शुक्रवार को सेना के जवानों ने एक संदिग्ध को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। RSS नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके अंगरक्षक व इससे पहले परिहार बंधुओं की हत्या के विरोध में शनिवार को सनातन धर्म सभा की ओर से बुलाई गई बंद के दौरान शनिवार को बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने DC दफ्तर में तोड़फोड़ की, कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। राज्यपाल का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। ढील बरती एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके विरोध में सनातन धर्मसभा किश्तवाड़ ने काल दी और सारी अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोग हम इनके साथ चले। बहुत ही पुरमन प्रोटेस्ट हुआ। बीच में मुझे लगता है कि छुटपुट, चूंकि लोगों के अंदर रोष था छिटपुट घटना के कारण, यहां पे बहुत बड़ा एक बवाल मचाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। काफ़ी 2-3 बटालियंस यहाँ पे लाके यहाँ पे सनातन धर्म सभा के लोगों को अरेस्ट करने की एक वो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे नौजवानों को हरास करने की तैयारी की जा रही है। इसलिए सनातन धर्म सभा प्रेसिडेंट ने ये आदेश दिया कि हम वॉलेंटियरली, जितने भी प्रमुख लोग हैं, हम समाज के लिए, समाज पे कोई आंच ना आए, नौजवानों पे कोई हरासमेंट ना हो, किसी आदमी पे कोई हरासमेंट ना हो, हम वॉलेंटियरली यहाँ पे आके गिरफ्तारी देंगे और जो करना है हम पे करें, लेकिन हमारे समाज पे कोई आंच ना आए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में भाजपा की रैली के दौरान भोजन के पैकेट बांटने के लिए पुलिस के वाहन का कथित रूप से इस्तेमाल किए जाने के मामले की जांच के निर्देशन जारी किए गए हैं। दरअसल इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान या बंदूक से भी ज्यादा उन लोगों से खतरा है जो राज्य में विशेष दर्जे को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में कुंड घाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य जिस चुनौती से गुजर रहा है उसको देखते हुए लोगों को लोकसभा में अपना नेता चुनने का समय सही फैसला लेना चाहिए था। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब तक की लोकसभा वोटिंग में BJP का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। गठबंधन बहुत अच्छा रहा, इसलिए ना तो BJP दोबारा चुनी जाएगी और ना ही वो धारा 370 को खत्म कर पाएगी। IGP जम्मू MK सिन्हा के साथ आज जिला किश्तवाड़ का दौरा किया और जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नागरिक और पुलिस प्रशासन, सेना और CRPF के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की। क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और रियासी जिले के दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने ग्राम बन्ना में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया। खेल के माध्यम से सकारात्मक युवा विकास को बढ़ावा देने और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए यह आयोजन सेना के प्रयासों का हिस्सा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने GMC डिपार्टमेंट का पुतला फूंक डिपार्टमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। 64 में वो 2 महीने ही निकल गई, इसके लिए हमने कंसर्न GMC डिपार्टमेंट और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इनका इन्फोर्समेंट भी है, जो जिस तरह से आम लोगों को नक्शा पास करवाने के लिए म्यूनसिपलिटी के दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरह के जो इनका इन्फोर्समेंट भी है, और खासकर मैं यहाँ बात करूँगा जो इनका एक खिलाफ जब तक कुलदीप कुमार है, जिस तरह से उन्होंने धांधली बचाई हुई है यहाँ वार्ड नंबर 64 और भी जो इसके अंडर वार्ड आती है, और कई लोगों को वहाँ पे म्यूनसिपलिटी दफ्तर में नक्शा पास करने धक्के खाने पड़ते हैं। जैसे चाहे कमर्शियल के लिए पास कराना हो, चाहे मकान बन गए नक्शा पास कराना हो, लेकिन कुलदीप कुमार जो यहाँ पे खिलाफ जो अफसर है, जिस तरह से उसने धांधली मचाई हुई है यहाँ पे लोगों से पैसे लेके, उनको कोई नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही उसको जो कमर्शियल होता है उसको शॉप की लैंड में चेंज कर देता है और जो दूसरा उसको दूसरे तरीके में करता है। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य विधानसभा चुनावों को टालने के विरुद्ध प्रदर्शन किया।
श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को 4 महीने की अवधि के बाद खोल दिया गया है। इससे पहले जोजिला में बर्फ हटाने का काम जारी था। सड़क साफ कर उसे आवाजाही के लायक बना दिया गया है। प्रोजेक्ट विजेक और ये जो पॉइंट है ये किलोमीटर 108 है और यहाँ पर आकर मिल करके तब ये पास खुलता है। हर साल ये पास बर्फबारी के कारण 11 से 12 मई में खुलता है। इस साल एक बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, उसके बावजूद भी दोनों प्रोजेक्ट की मेहनत, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट और लोकल आवाम के सपोर्ट के साथ में, एंड सबसे ज़रूरी जो इसमें तमाम जो वर्कर्स हैं बीकन के और विजेक के, जो कि सब तमाम लोकल आदमी हैं, उनकी मदद से आज ये पास 28 अप्रैल को खुल गया है और लेह लद्दाख के लिए तमाम जो अभी कॉन्वेज हैं वो इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। साथ साथ ही जो टूरिस्ट की मूवमेंट है जो कश्मीर से लेह बाई रोड जाते हैं वो मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं तमाम दोनों डिविजन्स के बाशिंदों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और आवाम को इसके लिए बधाई देता हूँ और प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विजेक के तमाम वर्कर्स को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। वेल डन। सिंगल स्टेटमेंट कोई नहीं दूंगा और सिर्फ आज जुजिला पे हैं तो आज जुजिला के बारे में बात करेंगे। सर जो आज ये रोड जो है बंद रहती है और उसी बर्फबारी के कारण रोड के ऊपर काफ़ी डैमेज भी होता है। पहला एम होता है कि रोड को खोल दें ताकि किसी तरह से भी जो है एक बार ट्रैफिक है स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में जो भी डैमेज हुआ होता है रोड को उसकी कार्रवाई साथ साथ चलती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दिन के टाइम पर ट्रैफिक चलता है तो रोड को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि प्रोजेक्ट बीकर और प्रोजेक्ट विजेक पूरी पूरी रात काम करते हैं। जब दिन के टाइम रोड पे ट्रैफिक चलती है और रात पे हमारे बंदे जो है प्रोजेक्ट्स के ये काम करते हैं ताकि रोड को मेंटेन किया जाए। और जो आपका पॉइंट था कि इसमें हैवी ट्रैफिक के लिए थोड़ा मुश्किल है, शुरू शुरू में हैवी ट्रैफिक थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन जैसे जैसे मेंटेनेंस होती जाएगी तो ट्रैफिक जो है स्मूथ हो जाएगा। पीपी न्यूज़ लैंड के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लैंड। जय हिंद, जय भारत।